तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले हे अर्जुन, जब जब जगत में अधर्म प्रबल हो जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी साधुओं को पर में अत्याचार होने लगता है, तब तक मैंने इस जगत में अवतीर्ण होकर के अपना भक्तों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए भगवान अलग अलग समय पर अलग अलग अवतार लेकर के भगवान इस जगत में आते हैं। तो आने का कारण क्या है? बोले कारण है जो जीव है, कभी जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाश, हम सबके सब भगवान के औलाद हैं। इसलिए वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, हम साधारण घर के बच्चे नहीं हैं, हमारे पिता कौन है? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, पिता अहम अस्य जगत धाता माता पिता, मैं ही जगत का पिता माता भाई बंधु। इसलिए कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। भगवान ही हमारे पिता। लेकिन दुख की बात यह है, हम तो सब भगवान के औलाद है, लेकिन हमें पता नहीं हमारी असली पिता कौन। पिता जिस अरब खरब गति उसको बेटा कि संसार में दुखी होकर वो भटक रहा है, दुखी कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, पुत्र से दुखी, दुखी होकर हम भटक रहे हैं। लेकिन हमारी घर कहाँ पर है? हमारे घर है ठाकुर जी की चरण में, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, माम उपद्रुतु अंतर पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक ये जी मेरे पास में नहीं आ जाते, हमारे घर में जब तक नहीं चले जाते, तब तक इसी संसार में जन्म मृत्यु दुख कष्ट को भोग करेंगे हैं। इसलिए जीव की कल्याण करने के लिए भगवान चाहते हैं, अगर कोई इसकी पिता अरब खरब पति हो, लेकिन उसको पिता चाय की दुकान में बर्तन धो रहा है, किसी घर में पोछा लगा रहा है, उसको खाना पीने का ठीक से नहीं मिलता है, अगर पिता को पता चलेगा तो पिता सुखी होगा ना दुखी होगा? दुखी होगा ना। कहाँ मैं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ ये मेरे बच्चे, और देखो कहाँ भिलभिला रहे हैं संसार। इसलिए अगर बच्चे सुखी रहो ना, देखना पिता माता भी सुखी रहते हैं। अगर बच्चा दुखी हो, पिता माता भी सुखी रहते हैं? सुखी नहीं रह सकते हैं। बच्चे का सुख देख करके पिता माता सुखी होते हैं। इसलिए हमारी असली पिता कौन है? ठाकुर जी है। लेकिन अभी हम ठाकुर को भूल बैठे हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अलग अलग अवतार लेकर के भगवान जगत में आते हैं और हमारी असली घर का परिचय हमें देते हैं। बेटा तू इस जगत में नहीं हो, तू रहने वाले मेरे चरण में, मेरे धाम में तेरा घर है, क्यों संसार में दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हो हैं? इसलिए भगवान कहते जो व्यास कवि, ये कौन है? कहते व्यास नारायण स्वयं भगवान, स्वयं श्री व्यास देव रूप में जगत में आए और आकर के उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेद पुराण उपनिषद हैं ये सारे ग्रंथों को उन्होंने बनाया। लेकिन ये बनाने का बावजूद भी जब उनको शांति नहीं मिली, तब श्री नारद जी आकर कहते देखो बेटा, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है, तुम जो असली तुम्हारी जो पिता माता थे ना संसार का जो पिता भगवान है, उनकी तुम कथा नहीं बोला है, उनकी सुंदर सुंदर मीठी मीठी प्यारी प्यारी उनकी कथा तुमने नहीं सुनाई। तुमने सुनाया कैसे भगवान कृष्ण होकर के जब राधा रानी मान करती हैं उनको प्रेम को पाने के लिए, कृष्ण परात्पर तत्व होते हुए भी उनके चरण में कृष्ण छुप जाते हैं, उनके प्रेम की भीख मांगते हैं, भगवान होते हुए भी मैया जशोदा उनको उखल में बांध देती है। जब कृष्ण मक्खन खाते हैं, मैया बोलती लाला मक्खन खाए, लेकिन कृष्ण डर से क्या बोलते हैं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। कृष्ण भगवान होकर के सखा को झूठन खाते हैं, तुमने सब भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाए? बोले सुनाया नहीं, इसलिए तो शांति नहीं मिली ना। इसलिए अगर शांति बनना चाहे तो क्या करो? भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाओ और जीव को बताओ वास्तव रूप में हैं कि जीव कौन है, कहाँ से आया, ये दुख कष्ट का कारण क्या है, हैं ये जीव को ये बात बताओ, ये भागवत ग्रंथ लिखो। जब ये भागवत ग्रंथ पढ़ेंगे तभी जीव को परम शांति और परम आनंद मिलेगा। इसलिए व्यास देव ने आकर के हमारी जो असली घर कहाँ पर है उसका बात किसने आकर के बताया? व्यास देव आकर बताया। इसलिए हम सबके सब श्री व्यास जी के चरण में हम सबके सब ऋणी हैं, सबके सब श्री ऋणी हम सबके सब व्यास देव के चरण में। अगर वो नहीं होते है ना, बस जैसे खाओ पियो और मर जाओ, जैसे जानवर जैसे ना
खाते पीते दो चार बच्चे जन्म दिया पालन करके खत्म हो जाते। हम भी ऐसे जीवन को जानवर जैसे खा पी कर जीवन को हम नष्ट कर देते, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते और असली पिताजी को पास में हम भी जा ही नहीं सकते थे। इसलिए व्यास देवनी इस जगत में आकर हमें ये सारी बात उन्होंने बताया, हमको संसार में कैसे पति पत्नी में कैसे व्यवहार होने चाहिए, पिता माता भाई बंधु के प्रति कैसे व्यवहार होने चाहिए, संसार में हम कैसे सुख में रह सकते हैं, हैं? अपना घर में भी रहो लेकिन रहते हुए कैसे भगवान की भक्ति करते हुए रहो। जिस घर में भगवान की भक्ति पूजा भजन होता है वो घर नहीं वही वृंदावन धाम है, वही वृंदावन धाम है। देखो ये घर देखो हमारे कल्पना दीदी कृष्ण प्रिया जी घर की जब मालिक आई वो कह रही थी जब दुनिया जब आते हैं ना तो कितना बड़ा तुमने मकान बना दिया। मैंने कहा अच्छा हुआ ना इतना बड़ा मकान बनाया, तभी तो भक्त लोग आकर की खबर हरी कथा सुनेंगे और भक्त लोग आकर बैठेंगे तभी तो सुना, तभी तो सार्थक कथा हो गया ना। और इन्हें जब घर बनाए आने से पहले बोले नहीं हमारे घर में पहले भागवत कथा होनी चाहिए उसको बाद में हम घर में जाएंगे, अभी घर कम्प्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं होने से पहले उन्होंने बोले नहीं सबसे पहले गुरु वैष्णव आएंगे घर में भागवत कथा होगा उसको बाद में हम घर में जाएंगे। इसलिए घर कंप्लीट नहीं होने से पहले उन्होंने घर में उन्होंने भागवत कथा करवाया घर में है, फिर घर में भक्तों को आकर कीर्तन कराया सत्संग कराया। और जब हमारे श्री ब्रजवला दीदी बोले महाराज जी हम तो नवद्वीप जाएंगे यहाँ पर 22 तारीख को हम चाहते हैं फरीदाबाद में हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा मनाएं। मैंने कहा कहाँ पर बना क्या तुम्हारे घर में? बोले नहीं हमारी कृष्ण प्रिया दीदी कहते नहीं हमारे घर में बनी। कहाँ पर बनी थी? कहते हमारे घर में बननी चाहिए और कहीं नहीं, इसलिए हम उनके घर में ही ये गुरु पूर्णिमा हम उनके घर में बनाएंगे। इसलिए देखो घर भी ठाकुर जी को घर में भी दिया और उनका दिल भी दिया है। कभी किसी को तो पैसा तो होता है लेकिन दिल नहीं देते हैं ठाकुर जी है, लेकिन उन्होंने दिल खोल करके गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए दिल खोल कर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। इसलिए दुर्योधन की मेवा के आगे सात विदुर भर गाए सबसे ऊंची प्रेम से खाए। इसलिए भगवान दुर्योधन की मेवा के आगे सात विदुर भर खाए भगवान के बल प्रेम के भूखे हैं। इसलिए आप इनके परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। इनकी जो भाव है ना ये भी कोशिश करती है हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बैठा क्या नाम बच्चा का छोरू लक्ष्य है और एक और बेटा ये कोशिश करती है हमारे बाद में भी हमारे बच्चे भी बहुत कोशिश करती हैं हैं ये बच्चों को कहते हमारे बाद में हम चाहते हैं ये संस्कार हमारे बच्चों को ऊपर भी पड़े हमारे बच्चे भी इसको धीरे धीरे ये चीज़ को ग्रहण करें हरिनाम करें भजन करें। ये जोर जबरदस्ती बच्चों को भी हरिनाम कराती बेटा आओ गुरु जी के चरण में प्रणाम करो हरिनाम करो जोर जबरदस्ती बच्चों को नहीं भोजन नहीं देंगे जब तक हरिनाम नहीं करो हैं हरिनाम नहीं करो तो भोजन नहीं देंगे बोले हरिनाम करो। इसलिए सभी का अगर माँ ऐसे हो जाए ना बस घर वृंदावन बन जाएगा सबका घर भगवान की धाम बन जाएगी ठीक है। इसलिए आज श्री व्यास देव की जन्मतिथि है इसी को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए हमारे बीच में श्री विपिन प्रभु जी ये गुरु जी की शिष्य है और ये प्रभु जी परिक्रमा में नवद्वीप परिक्रमा और वृंदावन में जो परिक्रमा होता है ना प्रभु जी जितने चावल लगता है परिक्रमा में और जितने पत्ता लगता है और इन्होंने लाइव में भी कथा करते हैं अंग्रेजी भाषा में कथा करते हैं और विदेश से भी लोग भी कथा को सुनते हैं जैसा हमें सरकार करती है ना ऐसे ही इन्होंने भी ऐसे कथा करते हैं। इसलिए प्रभु जी बहुत सेवा करते हैं गुरु जी के शिष्य है यदि कुछ इसी विषय पर प्रभु जी कुछ भी बोला इसलिए भी गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने मदी गुरुपाद पत्न नित्य लीलाम विश्वम विष्णुपाद श्रोत दर्शन श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत नारायण स्वामी गुरु महाराज जी के शरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम तत्पश्चात संपूर्ण पाल गुरु परम्परा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूजनीय शक्ति वैष्णव महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णव वृंद मातृवृंद श्रोतवृंद हरि कथा के पास हरे कृष्ण श्री व्यास पूजा हमारे गुरुपाद पद्म हमारे गुरुपाद पद्म में बात कहते हैं एक शिष्य के जीवन का सबसे मूल विषय कौन सा होता है
ऐसा कौन सा विषय जिसकी चर्चा हमें रोज करनी चाहिए, और ऐसा कौन सा विषय जिसको समझने के पश्चात बाकी सब विषय सब अपने आप समझ जाएंगे। भगवान जो है वह अधोक्षर, हमारी इंद्रियों से उनका दर्शन नहीं हो पाता। हम भगवान के विग्रह को देखते तो है, लेकिन भगवान उनसे वार्तालाप नहीं करते हैं। भगवान मुकेश है, मूक ईश्वर इति मुकेश है। तो जो हमसे वार्तालाप नहीं करे, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वह सीमित है। हम भगवान को काष्ठ पत्र इत्यादि का मूर्ति मानते हैं, हमारे हरिनाम के प्रति भी उस प्रकार की रुचि नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब जीव भगवान के साथ संपर्क नहीं साध सकता है और उसके हृदय में इच्छा होती है कि मैं श्री भगवान से संबंध प्राप्त करना चाहता हूँ, तब हमारी असहायता, हमारी दीनता के बीच में श्री भगवान जो है स्वयं गुरु रूप में हमारे बीच में अवतरित होते हैं। जब हम असहाय होते हैं, जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान देखते हैं कि यह व्यक्ति मुझ तक नहीं पहुँच सकता है, तब भगवान स्वयं ही जो है श्री गुरु रूप में आते हैं। अभी हमारा वैसा गुरु दर्शन नहीं है, अभी हम श्री गुरु को भी एक व्यक्ति मानते हैं। हाँ, गुरु 100% भजन करता है तो हम भी 60% कम नहीं कर देते, हमारी ऐसी भावना रहती है। लेकिन श्री गुरु है कौन? यह तत्व इतना गंभीर है कि इस पर अगर हमने विचार कर लिया और हमारी अगर श्री गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई, ये भगवत तत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा। वेदों ने कहा है कि नायमात्मा न प्रवचने न मेधया न बहुना श्रुते यमे वेश वृद्ध दिन मध्य तस्य एष आत्मा विवृतित अनुस्मा। भगवान किसको अपना दर्शन देते हैं? भगवान किसके साथ वार्तालाप करते हैं? किसके साथ खेलते हैं? किसके साथ अपने हृदय की बात करते हैं? जब भगवान स्वयं किसी का वर्ण, जैसे एक पति और पत्नी है, आपस में ब्याह से पहले उनकी वार्तालाप नहीं होती है, लेकिन ब्याह होने के साथ क्या होता है, पत्नी अपने सारे के सारे जितने भी बातें होती हैं अपने पति को बता देती है, तो पति भी बता देता है। जब तक संबंध नहीं हुआ तब तक दोनों के बीच में एक दूरी रहती है। संबंध बनने के पश्चात क्या होता है, दोनों एक दूसरे को सारी बात बता देते हैं। उसी प्रकार से श्री भगवान के साथ संबंध प्रदान करने वाले जो है वह कौन है? श्री गुरु। गुकार अंधकार रुकार तम निरोधक, शास्त्र कहते हैं भू शब्द का अर्थ क्या है? भू माने अंधकार, हम सब लोग अंधकार में हैं। कहा अंधकार में, बढ़िया बढ़िया हमने फॉल सीलिंग पे लाइट लगा रखी है, हमारे तो घर में बहुत है, लेकिन वास्तविक रूप में जब हमें ये लगेगा हम अंधकार में हैं। अंधकार है क्या? सुखदेव गोस्वामी जी मात्र गर्भ में थे, व्यास जी ने कहा कि आप बाहर आइए 16 वर्ष तक, कहीं 12 वर्ष नहीं 16 वर्ष तक भीतर रहे। व्यास जी कह रहे हैं आप पुत्र पुत्र बाहर आइए, 12 वर्ष तक कोई भी जो बालक होता है मातृ गर्भ में नहीं रहता है। सुखदेव जी बाहर नहीं आना चाहते, व्यास जी ने कहा क्यों भाई ऐसा क्या है? उन्हें कहा बाहर अंधकार बहुत है। व्यास जी ने कहा अंधकार बाहर है, अंधकार तो गर्भ के भीतर होता है, बाहर कहाँ है? बाहर तो सूर्य की रोशनी है, बाहर तो अनेक प्रकार के यंत्र जिसके माध्यम से प्रकाश प्राप्त होता है। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं भीतर का अंधकार उससे भी ज्यादा है। बोले क्यों? बोले भीतर का अंधकार दिखता है कि मैं अंधेरे में हूँ, और बाहर का अंधकार दिखता नहीं। तो जो अंधकार दिखता ही नहीं है उससे निजात पाने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन जब तस्मात, हमारे गुरु पादम इस तस्मात शब्द की व्याख्या करते थे, अरे जब मैंने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को भोग लिया, मैंने जीवन में सब प्रकार की संपदा, सब प्रकार की विद्वत्ता, सब प्रकार की सत्ता प्राप्त कर ली, सारी उपाधियां प्राप्त कर ली, मैं बहुत बड़ा हो गया, बहुत धनी मानी हो गया, उसके पश्चात भी मेरे हृदय में अभाव हो, ऐसा होता है। बड़े बड़े धनी मानी है, बहुत धन है, बहुत पैसा है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है, बड़े प्रतिष्ठित हैं, लेकिन जाकर के पूछो उनसे तो बोलेंगे अभी भी मन में कुछ अभाव है। यह जो अभाव है ना, ये भक्ति आरंभ होने की सबसे पहला सोपान है। जब अभाव होता है कि हमने यहाँ तो सब प्राप्त कर लिया, यहाँ तो तृप्ति हुई नहीं, इसका मतलब इससे परे भी कोई राज्य है, तो उस पर राज्य में, उस शब्द परे जनिष्णात, उस पर शब्द में जो प्रतिष्ठित है, ऐसे गुरु को श्री भगवान जो है स्वयं हमारे जीवन में भेजते हैं। महाराज जी ने श्रील व्यास जी के जीवन चरित्र का एक सुंदर उपाख्यान हमारे सामने ही बताया कि व्यास जी अतृप्त थे। व्यास जी की अतृप्ति इस कारण से नहीं है कि उनको धन नहीं मिल रहा, व्यास जी की तृप्ति इस कारण से नहीं है कि उनको सत्ता नहीं मिल रही है, उनको विद्वत्ता नहीं मिल रही है। व्यास जी है कौन? भगवान व्यास कृपण वत्सला। सुंदर गोस्वामी कहते हैं कि भगवान है स्वयं, जैसे महाराज जी का शक्ता वेश अवतार है, साहित्य अवतार है,
उन्होंने आकर के जगत को बताया कि तुम्हारा मूल कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा संबंध कहाँ पर है। अगर व्यास का होते तो यह जगत आज की डेट में होता ना होता, इस पर भी संशय है, क्योंकि केवल व्यास वाणी ही जो है इस जगत में चेतना का संचार करती है। श्री व्यास देव का जन्म हुआ श्री पराशर ऋषि, उनके पिताजी है जात पराशरा योगी वास्तव्याम कल्या हरे। उनके बिल्कुल आरंभ होने से पहले व्यास जी बैठे हुए थे सरस्वती नदी के पास, और सरस्वती नदी के तट पर जब बैठे हुए थे विविक्त आसीन उदित रवि मंडले, एक विविक्त आसन थे। उन्होंने क्या करा, एक आसन लिया और आसन पर बैठ करके सूर्य की ओर देख रहे थे, और सूर्य की ओर जब देखते देखते व्यास जी के मन में एक बहुत ही वेदना उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, उन्होंने देखा कलयुग आने वाला है। जब कलि आने वाला है तो कलि के लक्षण आने लगे। कलि के लक्षण क्या थे, भौतिका नाम च भवान नाम, ये शक्ति जितनी आयु है वह नाश हो चुकी है, असत्वान दुर्मेधान सब प्रकार के गुण नाश हो चुके हैं कलयुग के अंदर। ऐसी परिस्थिति जब व्यास देव ने देखी तो व्यास देव ने कहा अब बहुत आवश्यक हो गया है कि इस एक वेद को चार भाग में मेरे को विभाजित करने का, क्योंकि वेद को पढ़ना हम लोगों की बस की बात नहीं, अधिकांश लोग तो वेद का नाम ही नहीं जानते तो वेद पढ़ेंगे क्या, और वेद को पढ़ने के लिए छह प्रकार की अन्य शिक्षाओं की आवश्यकता होती है, कौन पढ़े। तो व्यास जी ने बड़ी कृपा पूर्वक क्या किया, रेविशाम अथर्व वेद इत्यादि जो थे ये सब उनको विभाजन किया और एक एक शिष्य को दे दिया, और इतिहास पुराना नाम पंचम वेद से उच्चते, और श्री जो थे सूत गोस्वामी जी के पिताजी को सारे इतिहास पुराण दे दिए। इतना बड़ा कार्य किया। आज राजनीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, शस्त्र शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी आप विचार करके देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी भारत की, जिनको के मुसलमान लोगों ने सबसे पहले तोड़ा, उन्होंने कहा कि नालंदा को ध्वस्त करो वरना भारत ध्वस्त नहीं कर सकते। और नालंदा के अंदर जो हमारे वेद थे वो इतने थे कि 6 महीने तक वह विश्वविद्यालय चलता रहा था। व्यास देव के हस्तलिखित वेद केवल आज के समय में तो केवल 13 ही जो है, एक हमारे श्री गोस्वामी पाद ने कहा कि वेद के कितने विभाग थे, उन सारे विभागों में से सिर्फ 13 विभाग हमारे पास है आज के समय में, और उन 13 विभाग को पढ़ना भी हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो व्यास देव ने इतना बड़ा कार्य किया। फिर उन्होंने देखा कि चलो मैंने वेद को तो कर दिया विभाजित, शिष्य शिष्य प्रतिशिष्य वेदास्ते शाकिदो भवन, अब शिष्य प्रशिष्य होते रहेंगे और वेद एक से दूसरे के पास पहुँचता रहेगा। फिर उन्होंने कहा चलो वेद बड़ा गंभीर है, इस कलयुग के अंदर संस्कृत इत्यादि को जानता नहीं है, तो क्या करें, महाभारत लिख देता। उन्होंने महाभारत लिख दी, मुनि नाम कृपया कृतम, बहुत कृपा करके महाभारत लिख दी। लेकिन उसके बाद भी श्री सुत गोस्वामी पाद कहते हैं कि सर्वात्म एकान अभी ना अतुष्ट, मैंने इतना सब लिख दिया, इतना सब लिख दिया मैंने, लिख 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 करके पढ़ने वाले कोटि कोटि जन तक पढ़ते रहे तो भी नहीं जान पाएंगे क्या है, लेकिन फिर भी मेरा हृदय क्या है, प्रसन्न नहीं है। मूलतः बात क्या है, धन कुछ ना कुछ मात्रा में सबको उपलब्ध हो जाता है, पुत्र पौत्र सब सब कुछ कुछ ना कुछ मात्रा में मिल ही जाता है सबको, लेकिन क्या नहीं मिलता, ये ना आत्मा संप्रसिद्धि, हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि अगर वस्तुओं से आत्मा प्रसन्न हो जाती तो कोटि कोटि जन्मों में हम तो देवता भी बने, हम क्यों प्रसन्न नहीं हुए। अगर अनेक प्रकार के व्यवहारों से आत्मा प्रसन्न हो जाती तो फिर आप सब लोग देखिए कि आप सब लोग नीचे बैठे तो महाराज जी आपको क्या दे रहे, कुछ धन दे रहे क्या, कुछ दे रहे, लेकिन आपने महाराज जी को आसन पे ये कह करके कि महाराज जी कौन है, व्यास के प्रतिनिधि है, इनके निकट रह करके हमारे चित्त को जो प्रसन्नता मिलती है वो जगत में कहीं नहीं मिलती। हमारे मन में कितना भी द्वंद हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कुछ हो, हम महाराज जी के निकट आते तो क्या होता है, हमारा चित्त शांत हो जाता है, स्थित सत्वम प्रसिद्धि। साधु का स्वभाव है, कथा हर कोई बोल देगा, वेद तो है शास्त्र है हर कोई बोल देगा, लेकिन जो उसमें प्रतिष्ठित है, जो स्वयं आचरण करके बता रहा है, उसके मुख से निस्तृत कथा से क्या होगा, चित्त को स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता मिल जाएगी। गुरु हो, गुरु तो संसार में बहुत है, गुरु संसार में बहुत है, लेकिन संसार में वित्त को हरने वाले गुरु तो बहुत हैं, गुरु बहु वसन्ति, लोगों से पैसा हरण करने वाले तो बहुत गुरु हैं, लेकिन दुर्लभ सद्गुरु देवी, शिष्य संताप हर का, शिष्य के ताप को हरण करने वाले बहुत कम हैं। वित्त को हरण कर लेंगे लेकिन शिष्य के ताप को हरण करने वाले लोग है ही नहीं,
जो स्वयं आचरण करते हैं, आज नोदी या शास्त्रार्थ जो स्वयं आचरण करते हैं, वही ही दूसरे को आचरण में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो व्यासदेव ने इस प्रकार से देखा, तब व्यासदेव के मन में आया, ओ मेरे को चित्त को शांति क्यों नहीं मिल रही है, मैंने तो गुरु की सारी आज्ञा का पालन किया, छंदांसी गुरु अभिनय, मैंने सारे के सारे छंद पढ़ लिए, यज्ञ इत्यादि कर लिए, और मान्यता निबंध भी के मैंने जो भी किया पालन, उसमें किसी भी प्रकार की कपटता नहीं थी, मैंने कपटता को बिल्कुल परित्याग करके मैंने सारे के सारे धर्म का पालन किया, फिर भी मुझ जैसे व्यक्ति को तृप्ति क्यों नहीं मिल रही है। तब व्यास जी के मन में आया, किम्बा भागवता प्रायण नारूपिणा प्रिय प्रिय हंसा नाम सहब अच्युत प्रिया, कि देखिए मेरे लगता है श्री कृष्ण का गुणानुवाद नहीं किया, जब तक श्री कृष्ण गुणानुवाद नहीं करेंगे, जिस तरीके से भागवत आप सब लोग श्रवण करते हैं, तब तक चित्त को शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी सोच रहे थे क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे से कुछ कहना रह गया। अब देखो, एक होता है किसी को बुलाना कि आप हमारी मदद करने आइए, उसको फोन करना पड़ता है, ईमेल लिखना पड़ता है। श्री गुरु के साथ ऐसा नहीं है, श्री गुरु के साथ संबंध होता है हरिनाम से। आप जगत के किसी भी कोने में बैठे हो, आपके मन का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दुविधा हो, अगर आप गुरु द्वारा दी गई वाणी का पालन कर रहे हैं, तो ये शत प्रतिशत मानिए कि श्री गुरु आपके साथ हैं, 100% आपके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने नाम रूप में स्वयं का विस्तार करके आपको दे दिया है, आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, श्री कृष्ण पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, केवल श्री कृष्ण का अनुभव प्राप्त करना है। तो ये श्री गुरु से जितने भी प्रकार के हमारे मन के प्रश्न होते हैं ना, हम कहीं पर भी बैठे हो, अगर हम सही रूप से उनसे प्रार्थना करेंगे, हमारे मन के सारे प्रश्न, सारी दुविधाएं, सारे क्लेश को निवृत्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, वही गुरु है। तो व्यास जी के मन में ऐसा लगा, उसी समय ही बिना निमंत्रण के नारद जी को बोला, नहीं आप आइए, नारद जी स्वयं आ गए, और नारद जी हाथ में वीणा लेकर के बोले व्यास जी से, व्यास जी को बोला, व्यास जी परिदुष्ट आत्मा श्री राम सब आत्मा मन से होगा, आपकी आत्मा सही है, क्योंकि मुख जो होता है वो बता देता मन नहीं चल रहा, शरीर सही है आपका और मन सही है आपका। व्यास जी बोले, यही प्रश्न हमारे मन में था, हमने निमंत्रण नहीं दिया आपको कि आप आइए, उसके बिना आप हमारे घर पे आ गए, तो आप ही बताइए कि मैं अप्रसन्न क्यों हूँ, हमें नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि हम अप्रसन्न क्यों हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हम लोग दुखी क्यों हैं, खाने के लिए है बहुत है, रहने के लिए है बहुत है, घर है बहुत बड़ा है, जानने वाले बहुत, फिर भी क्या है, टेंशन है क्यों पता नहीं, बिना बात के विचार करके देखो, सबके पास कुछ ना कुछ तो है। आज की डेट में अभी लॉकडाउन लगा था ना, तो कोई मर तो नहीं गया, सब खाने का मिल गया, तो फिर अब खाने के लिए भी है, रहने के लिए भी है, चिंता किस बात की है, पता ही नहीं, बिना बात, कलयुग की ये लक्षण है, बिना बात के परेशान है। ओ साथ वाले ने जो है वो बड़ी गाड़ी ले ली है, तो मैं उससे कर लूंगा, ये क्या परेशानी है भैया, अच्छा उसके घर का वॉल पेपर ना बहुत बढ़िया था, मैं वो लगाना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बातें, अच्छा उसके बाथरूम की टाइल, ऐसा दिमाग है पता नहीं कहाँ जा रहा है, असत वस्तुओं में, अच्छा उसकी साड़ी बहुत बढ़िया थी, अच्छा क्या कर रहा है तुमने, इन्हीं वस्तुओं में जीवन जा रहा है, अच्छा उसकी शादी में उसने 50 लाख खर्च कर दिया, मैं 60 लाख खर्च करके मान लू, ये कलयुग की वृत्ति है, सारा यही जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि सत वस्तु का संग नहीं है, जब सत का संग हो जाएगा असत को छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक छूट जाएगा, और जिनको कृष्ण कथा में अनुराग हो जाएगा उनके लिए कृष्ण कथा ही मूल है। तो व्यास जी के निकट आए नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी आप चिंतित मालूम होते हैं, और नारद जी ने श्री व्यास जी को प्रभु कहकर के संबोधित किया है, शिष्य गुरु आपस में संबंध इस प्रकार से, शिष्य गुरु की परिस्थिति बहुत ऊंची होती है, हम लोग उससे बात कर रहे तो हमारी तरह हम सोचते हमारी तरह हमारी तरह खाते हैं हमारी तरह पीते हैं हमारी तरह सोते हैं, हाँ बस ये सुबह 4 बजे छोड़ जाते हैं, हम सुबह 6 बजे छोड़ जाते हैं, इतना ही फर्क है सर, ये अपना मंदिर में रहते हैं और हम अपना रहते हैं, अरे बहुत फर्क है, देखना वो दिखता है, जितना त्याग श्री गुरु करता है हमारे लिए उसी गणना ही हम लोग नहीं कर सकते, गणना ही नहीं कर सकते, हमारे विचार में नहीं आ सकता इसमें, और हम जब श्री गुरु को प्राकृत मान लेते हैं, हमारी तरह मान लेते हैं, अरे वह ना होते तो आज हमारे जीवन में कृष्ण नाम होता, आज हमें पता होता वृंदावन क्या है, आज हमें पता होता कुछ
नहीं पता होता कि सारी की सारी बातें हमारे जीवन में कौन लाया, श्री गुरु। इसलिए प्रथमेव गुरु पूज्यम, सबसे पहले आराधन किसका करना है, श्री गुरु का। और ये बात रखना, जब श्री गुरु का आराधन सबसे पहले करेंगे ना, उसके बाद जब हम भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान के भजन का जब अनुभव होगा, अनुभव करके हमारे मन में आएगा कि मेरे को गुरु का आराधन ही करना है, क्योंकि ये ना होते तो मुझे कुछ भी ना मिलता। जितना श्री कृष्ण का प्रकाश होगा, उतना श्री गुरु का प्रकाश हमारे हृदय में होगा। कि मैं कहाँ पड़ा हुआ था, मैं संसार के कौन से घर में पड़ा हुआ था, माया के कौन से भोगों में पड़ा हुआ था, मेरे केश पकड़ के मेरे को लेकर के आए हैं। इच्छा नहीं थी हमारे हृदय में कि महाराज ने कहा लो, अरे नहीं हम नहीं कर पाएंगे, अच्छा तो फिर भी लो, जबरदस्ती दिया। आज वो जबरदस्ती का प्रभाव है कि थोड़ा थोड़ा स्वाभाविक हो रहा है, मन तो अभी नहीं करता लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा स्वाभाविक हो रहा है। नारद जी ने इस प्रकार कहा, नारद जी से पूछा उन्होंने कि मैं आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ, एक दो बात कहकर के समय शेष है, कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप बताइए मैं अतृप्त क्यों हूँ, मैंने तो इतना सब कुछ लिख लिया। महत्भुत कार्य के जिज्ञासु बोला, जिज्ञासतम के महत्भुतम, बोले व्यास जी आपने जो लिखा आज तक कोई नहीं लिख पाया, उसके बावजूद आप तृप्त क्यों है। तब श्री नारद जी ने दो सूत्र में ऐसे अभूतपूर्व श्लोक कहे, ये सब भागवत जी का प्रकरण है, आपने पहले भी सुना होगा, बोला भक्ता अनुदित प्रयाय भगवत यशो अमलम ये से ना खुशियत। अरे जब आपने हरि का गुणगान नहीं किया, अच्छा व्यास जी आपने ये लिखा कि श्री कृष्ण अपने घर में चोरी कर रहे थे, हाँ श्री कृष्ण अपने कक्ष में लेटे हुए थे, मैया जो थी वह मक्खन जो है वह उस समय दही बिलो रही थी, वो क्या गा रही थी, गोविंद दामो दरबाद वेदी, गोविंद दामो दरबाद वेदी, गोविंद दामो और मैया फिर भागी है उनके पीछे। व्यास जी को बोला कि आपने लिखा ये कि उस परब्रह्म के पीछे जिसको के वेद इत्यादि जान नहीं सकते, क्या आपने ये लिखा कि उसके पीछे मैया लठिया लेकर के भाग रही है। और ठाकुर जी हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, ठाकुर जी जब भाग रहे थे मैया के हाथ में लठिया थी, और लठिया लेकर के जो भाग रहे थे इतने भयभीत थे कृष्ण के मुड़ करके पीछे देखते नहीं थे, क्योंकि बोला जू ही मैंने लठिया को देखा उसी समय भय आ जाएगा मेरे हृदय में, और भय आने पर मेरी जो गति है ना वो शिथिल पड़ जाएगी, तो डर ना आ जाए मेरे भीतर। मैया ने जू ही पकड़ लिया, मैया ने कहा रे क्यों भाग रहा है, चोरी की। ठाकुर जी बोलते मैंने कहा चोरी की, तुमने भाग क्यों रहा है, बोले हमें क्या पता आप हमारे पीछे भाग रही तो हम ही भाग लेते। हमारे जीव गोस्वामी पाद का ऐसा अद्भुत सच, अगर गौड़ीय वैष्णव जो हमारा जो हमारे आचार्यों का अवदान है, जो ग्रंथ है उसका छीटा भी पड़ जाए ना किसी को, एक छीटा सिर्फ ना अन्यत्र रति कदाचित, कहीं और रति जाएगी नहीं। जीव गोस्वामी पाद कह रहे कि ठाकुर जी भागे, मैया पीछे भागी, बोले क्यों भागा, बोले आप बिना बताए मेरे पीछे लड़िया लेकर के भाग रही है, मुझे कुछ कहने का अवसर तो दो, तो भागा क्यों। हमने कहा कहीं आप थमेंगे तो हम भी थम जाएंगे, तो हम आपसे कह रहे हैं कि हमने चोरी इत्यादि नहीं की। अच्छा बोले तो फिर ये टूटा कैसे फिर ये, बोले अब ये दोष हम पर है, हाँ बोले भागी आप हमारे पीछे, अब अगर आपने चरणों के दर्शन करिए ना तो बड़े बड़े कंकड़ जो है ना ये आपने पहन रखे हैं,
हमने नहीं पहने हैं। आप भागी तो आपके पैर के कंकण जो है उस पे लगे उकत इस पर भट्टे पे भट्टी से नदी खींच निकल गया। अब दोष हम पर है, बिना बात के भ्रष्टि सारे के सारे दोष हम पर ही लगते हैं। हम पैदा होते तो लोग कहते हैं हमने स्त्री को मार दिया, हमने कहा मार दिया, भूत पिला गया पी लिया हम जा रहे, हम मर गई अपने आप, कहा तुमने मार दिया, हवा में हमें लेके गिर गया वो नीचे, हमें कह दिया हमने मार दिया, उस कहा मार दिया हमें, सारे दोष हमें, चलो बाहर वाले दोष लगाए लगाएंगे बाद में, बाहर के लोग दोष लगाए अच्छी बात है, अब तो घर के लोग दोष लगाते हैं, कोई कहता है मिट्टी खा लेते हैं, कोई कहता है क्या कर देते हैं, तो बोलो इतनी बड़ी बड़ी बात तो बनाना सीख गया है, बोले देखो बात सही नहीं, हम बिल्कुल सीख रहे हैं। अच्छा मेरी ये बात बता, इतने मुख में ये कहते चलो ठीक है, मेरे पैर से टूटा मक्खन वो तो आंगन में था, तेरे मुख पर मक्खन कहाँ से आया? अरे बोले नंद महाराज पुत्र हैं। बोले हाँ, तो एक बात बताइए, राजा का जो पुत्र उसका कार्य क्या होता है? अपने घर की रक्षा करने का। बंदर घर में प्रवेश कर गए, बंदरों से घर की रक्षा कर रहा था मैं। अच्छा तो रक्षा करते करते क्या हुआ, उन्होंने माखन निकाला मेरे मुंह पर लगा दिया। अब आप कह रहे हो कि मैंने किया ये, अब ये तो बिल्कुल गलत बात है भैया, समझ के मैंने कहा देखो बातों के तो बितंडबाज हो तुम, बातें बनाने में तो श्री कृष्ण से देश भी है। अर्जुन ने सीधी सी बात पूछी, सात सौ श्लोक बोल दिए, बोला भाई सीधी बात बताओ क्या करना है, सीधी बात पूछी मैं युद्ध नहीं कर सकता क्या, एक ही बात ना भी सारी बात बतानी, बातों में तो बितंडबाज है कृष्ण, हमारे जीव गोस्वामी बात का शब्द है, मेरा शब्द नहीं, अन्यथा मत लीजिए आप। ऐसा सुंदर ग्रंथ है गोपाल शंकु, मानो सारे ऐश्वर्य के कपाट बंद कर दिए उसके अंदर, केवल और केवल मधुर रस का वहां पर प्रवेश हो रहा है। तो वहां श्री कृष्ण जब बोले, भैया ने कहा ठीक है आपकी इच्छा है आप चोरी करो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में चोरी करो बाहर चोरी करो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जितनी चोरी कर सकते करो, लेकिन चोरी करने से पहले मेरे हाथ में ये जो लठिया है ना इसका बस दर्शन करो, सिर्फ दर्शन कर लो इस लठिया का, फिर चोरी करो बाहर जाओ कुछ करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, आप जो करते करो। ऐसा तो व्यास जी को बोला आपने ये लिखा? व्यास जी ने कहा मैंने लिखा। बोले जब तक ये नहीं लिखा तो चित्त को तृप्ति कहाँ से मिलेगी? अच्छा आपने ये लिखा क्या कि सखा लोग झूठक खा लेते हैं? बोले ये लिखा नहीं। बोले अघासुर के मुख में सखा लोग जा रहे थे, कुछ ने कहा कि तो सर्प है, उसने कहा नहीं नहीं ये श्री कृष्ण ने हमारे लिए कुछ सुंदर उपकरण बनाया खेलने के लिए। सखाओं ने कहा कहाँ सुंदर उपकरण है, इसके तो बड़े बड़े दांत हैं। अरे बोले बड़े बड़े दांत क्या है, अंदर गुफा है, अंदर साधु लोग भजन कर रहे हैं, ये दांत के अंदर साधु लोग अपना वो टांग दे हमारा झोली अंदर जाके भजन करते हैं। बोले अरे बाबरों तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो, फंस जाएंगे तो? बोले फंस जाएंगे तो क्या होगा, पीछे खड़ा ही है क्या, मैं आ जाएगा बचाने के लिए। तो बोले ये लिखा आपने? लिखा। बोले फिर आपने क्या ये लिखा कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में श्री कृष्णानंद जी से मिलन की उत्कंठा जब जागृत होती है और वह कुंज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो प्रवेश करने से पहले जब भीतर प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? यदि करीशु बहुशः खलु कागुवाणी नित्य परस्य शिखस्य शंड मौले, ये आप भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले राधा रानी ने मना किया है कि आज कोई भी काली वस्तु का कुंज में प्रवेश नहीं करेगी। तो हाथ जोड़ करके वो परम ब्रह्म जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, आपने ये लिखा कि वो हाथ जोड़ रहा है, मेरे को भीतर ध्यान दीजिए। व्यास जी ने कहा हमने ये भी नहीं लिखा। तो बोला जब आपने लिखा है नहीं तो चित्त को तृप्ति कहाँ से मिलेगी? चित्त को आत्मा प्रसन्न कब होगी? जब भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा। और संबंध का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। साधु लोग तो यही भागवत गुणगान करते हैं। तो यह व्यास जी को नारद जी ने बताया, व्यास जी ने फिर समाधि चेष्टा पूरी पूरी भागवत का संकलन किया, वही ही गुरु परंपरा के माध्यम से आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है। आप सब लोग अपने भाग्य की गणना नहीं कर पाते, हमें जो मिला है ना पश्चन बिना पश्चति वाली परिस्थिति है, मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं, जब तक नहीं मिल रहा तो वाह वाह, तो हमें पता नहीं चल रहा कि हमें क्या मिला है। कोटि कोटि जन्म हम लोग क्या क्या नहीं बने इस मनुष्य जीवन में, श्री गुरु हमारे निकट आए, हम गुरु के निकट नहीं आए, गुरु ने आकर के जबरदस्ती हमें कहा ये करो, हमारा कर्तव्य नहीं है गुरु का कर्तव्य है। और आप सब लोग कृष्ण महाराज जी के शिष्य हैं, ये ना होते तो आप यहाँ बैठे होते नहीं होते। तो आपके जीवन में अगर कृष्ण नाम लेने की इच्छा हो रही है, कृष्ण का क्री शब्द भी आपके मुख से निकल रहा है ना, तो आप ये बात याद रखिएगा कि वह केवल और केवल महाराज जी की कृपा से निकल रहा है, आपका सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण का क्री भी इनकी कृपा से निकल रहा है। ठाकुर जी के प्रति जब चरण चल रहे होंगे ना, तो ये याद रखना कि ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरे गुरु मेरे
मेरे भीतर से मुझको प्रेरित करके श्री कृष्ण के पास ले जा रहे हैं। असीमित वस्तु तक सीमित नहीं पहुंच सकता, लेकिन असीमित जब सीमित तक पहुंचने की इच्छा कर ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आप नरेंद्र मोदी से मिलने जाए तो हो सकता है ना मिल पाए, लेकिन मोदी इच्छा कर ले कि मेरे को इसी घर में रहना है, कोई नहीं रोक सकता। तो ठाकुर जी ने इच्छा कर ली है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके जीवन में श्रीला महाराज जी का प्रादुर्भाव किया। कहने को बहुत कुछ है, संपूर्ण हमारे आचार्य गुरु तत्व के ऊपर तो बहुत व्याख्या की है, लेकिन बिना कर्तृत्व के बिना किसी विमान के गुरुपाद पद्म के चरणों को पुनः पुनः याद करते हुए प्रार्थना है कि कहने सुनने का अभिमान ना हो, किसी भी बात का कोई भी कर्तृत्व ना हो, वह अपनी कृपा वर्षण हमेशा जो है वह करते रहे। हम तो अबोध हैं, अभी हमारे प्रभु जी गा रहे थे कि विष्णुओं के प्रति हमारा स्वाभाविक अनुराग है और हे राधे आपके प्रति हमारा मन करता नहीं है, अबोध है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप कौन हैं? आप तो कृपा अनुभूति हैं, आप तो कृपा वरना आप तो करुणा वरनाले हैं, आप कृपा करिए वैष्णवों के संग में रखिए, चाहे हम अभिनय करें सिर्फ नाटक करें कोई बात नहीं, फिर भी रखिए अभिनय में रख लीजिए, लेकिन ये जन्म आने वाले जितने भी जन्म है मेरे को किसी जन्म में शुद्ध गुरुदास बनाइए, शुद्ध गुरुदास बनाइए। मैं शुद्ध गुरुदास बना तो शुद्ध कृष्णदास में स्वाभाविक रूप से बन जाऊंगा, यही कहकर के अपने विष्णु को नाम लेता हूँ कि अज्ञात निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर पीछे पीछे बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारतम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत थोड़ी दंडवत प्रणति अर्पण करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम है। देखो अगले दो दिन बाद में श्री गुरु पूर्णिमा श्री व्यासतीर्थ जी का जन्म महोत्सव है, हम लोगों ने श्रवण किया श्री गुरु महाराज और प्रभु जी के मुखारविंद से कि इस तिथि को पालन करना क्यों हमारे लिए आवश्यक है। हम श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार श्री व्यासदेव जी के जीवन चरित्र में नारद जी ने आने के बाद में उन्हें बतलाया कि वे उनकी जो उदासीनता है उनकी अतृप्ति किस प्रकार दूर होगी। उसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी और श्रीमद् भागवतम से पूर्व भी उन्होंने जो सारे ग्रंथ लिखे थे, वेद पहले बताया थे प्रभु जी ने, वेद एक ही था, वेद के चार विभाग करे, इनका नाम क्या है, वेद व्यास, वेद अर्थात वेद और व्यास का अर्थ है विस्तार करना, तो इन्होंने वेदों के चार विभाग करे, उसके बाद में उपनिषद पुराण इत्यादि ग्रंथों की रचना करी। तो इन ग्रंथों का विस्तार करने के कारण, इस ग्रंथों का प्रचार करने के कारण ही इनका नाम वेदव्यास हुआ, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इनके जन्म के विषय में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रभु जी कह रहे थे जैसे पारशर ऋषि इनके के पिताजी हुए हैं। एक समय पर एक पारशर ऋषि मथुरा में जहाँ विश्राम जहाँ पर हमारा दुर्वासा मंदिर है उसी के पास में एक तट है, वहाँ पर पारशर ऋषि जब उस तट यमुना को पार करने के लिए एक समय पहुँचे तो वहाँ पर शाम का समय था, तो वहाँ पर उस समय पर केवट ने अपनी नौका लगा दी थी, केवट चला गया था, किंतु ऋषि को देखकर जब ऋषि ने उससे याचना करी तो केवट ने अपनी बेटी को भेज दिया। इनकी ये पुत्री जिसका नाम था मत्स्यगंधा, ये मत्स्यगंधा क्या कि पूर्व जन्म में ये कोई अप्सरा थी, किंतु किसी ऋषि के श्राप के कारण ये किसी मछली की योनि में चली गई थी, मछली के गर्भ से इसका जन्म हुआ इसलिए इनका नाम था मत्स्यगंधा और इनके शरीर से मछली की गंध आती थी जो वेदव्यास जी की माँ है। लेकिन जब इन्होंने ये इस केवट की पुत्री थी तो इस केवट ने अपनी पुत्री को कहा कि तुम ऋषि को जाकर ये यमुना पार करवा दो।
ये पुत्री ने नाव में आके, पाराशर ऋषि भी वहां पर थे, तब पाराशर ऋषि ने अपनी माया के प्रभाव से उस नौका को एक टापू के पास पर ले जाकर और वहां पर पूरा क्या कर दिया, कोहरा सा कर दिया। और उसी समय पर अपनी दिव्य दृष्टिपात से उन्होंने इस मत्स्य गंधा के प्रति देखा और उनके देखने मात्र से ही उसी समय पर वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वेदव्यास जी के जन्म के बाद में ये मत्स्यगंधा बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि अभी विवाह भी नहीं हुआ था और अविवाहित रूप में ही इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था। अभी बड़ी चिंतित हो गई कि पूरे विश्व में मेरी बदनामी हो जाएगी। तब पार्षद ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि ये ही तुम्हारा एक ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारी कीर्ति को और बढ़ाएगा और इनका नाम होगा वेदव्यास। इन्हीं के ही कारण क्या होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सभी ग्रंथों के माध्यम से पूरे विश्व के कल्याण का कारण बनेंगे। तो इस प्रकार वेदव्यास जी का जन्म हुआ। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इनका वर्ण था कृष्ण वर्ण अर्थात श्याम वर्ण के थे और द्वैपायन यमुना के बीच में एक टापू पर, एक द्वीप पर इनका जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन कृष्ण वेदव्यास। इसलिए क्योंकि वेदों का इन्होंने विस्तार किया। तो इस प्रकार इनके जन्म की कथा है। अभी प्रश्न उठता है कि वेदव्यास जी का तो जन्म तिथि है, इस वजह से हम उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे गुरु वर्ग की देखा है ना, वेदव्यास गुरु पूर्णिमा के ऊपर सब अपने गुरु की भी पूजा करते हैं, तो उसका क्या कारण है। तभी इस पर विचार करते हुए हमारे गुरु वर्ग बताते हैं कि जो कार्य वेदव्यास ने क्या कार्य किया, शास्त्रों की रचना करके और जीव मात्र के कल्याण के लिए उसे प्रचार प्रसार किया। तो हमारे गुरु वर्गों का भी जीवन चरित्र यदि आप देखोगे तो उनके अंदर भी यही चीज देखी जाती है। किस प्रकार उनकी दिनचर्या से आप अनुमान लगा सकते हो, किस प्रकार उनका सारा जीवन, किस प्रकार जीवों के कल्याण के लिए प्रचार प्रसार नहीं निकल रहा है इन शास्त्रों की। क्योंकि आज के समय पर कलयुग का इतना बुरा प्रभाव हो गया है कि लोगों के शास्त्रों में रुचि नहीं है, स्वाभाविक रूप में ही शास्त्रों में रुचि नहीं है और कली के जो सारे यंत्र हैं, कली के जो सारे आकर्षण है उसके प्रति आकर्षित रहते जी। तो उस चीज को खंडन करते हुए और भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए जो हमारे गुरु वर्ग इतना परिश्रम कर रहे हैं, इसी के कारण वे भी पूजनीय हैं। वेदव्यास से अभिन्न कार्य ही गुरुवर्ग कर रहे हैं, इसीलिए बतलाया गया है कि उनकी भी गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा होती है। और सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन ही नहीं, एक शिष्य का तो कर्तव्य है प्रत्येक दिन गुरुदेव की पूजा करना, व्यास पूजा मनाना। प्रत्येक दिन ही नहीं, प्रत्येक मुहूर्त में ही व्यास पूजा मनाना। ठीक ठीक रूप में अगर विचार करेंगे तो व्यास पूजा का अर्थ क्या है, व्यास पूजा का एक और नाम बतलाया है पाद्य अर्पण। श्री चैतन्य भागवत की टीका में हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उसकी टीका में लिखते हैं कि व्यास पूजा का एक अर्थ है पाद्य अर्पण। पाद्य अर्पण मतलब अब स्वयं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना, स्वयं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना, उनके शरणागत होकर वे जो हमसे चाहते हैं उसको ठीक ठीक रूप में पालन करना। अभी बताओ गुरुदेव आपसे क्या चाहते हैं। महाराज जी यदि लोगों के सबके घर पर जा रहे हैं जो भगवान की कथा बोलते हैं उनसे क्या चाहते हैं, आपसे कुछ धन याचना करते हैं, आपसे और कुछ चीजों की याचना कर रहे हैं, नहीं। एकमात्र उनका उद्देश्य क्या है कि जीव भगवान का भजन करे। प्रत्येक व्यक्ति जिनसे जो उनके साथ में संबंध स्थापित किया है वो भगवान का भजन करे, भजन करके और इस भव सागर से पार हो जाए। जो यहाँ पर दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, जैसे भगवान को बताया ना, हम श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार हम सब भगवान की संतान है, तो भगवान जिस प्रकार दुखी होते हैं को दुखी देखकर वे क्या करते हैं, अपने निज जन, तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। श्री हमारे गुरुवर को ने कीर्तन करते हुए बतलाया है कि एकमात्र भगवान के जो निज जन हमारे गुरुदेव हैं, जो सारी गुरु परंपरा है, वे ही हमारे परम बांधव हैं। और क्या करते हैं भगवान, अपने ही निज जन को हम जीवों का उद्धार करने के लिए, हमारी दयनीय स्थिति से हमें उद्धार करने के लिए भेज देते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव व्यास पूजा का ठीक ठीक अर्थ यदि विचार करेंगे तो क्या होगा, जो गुरुदेव हमसे चाहते हैं उसको ठीक रूप में पालन करना, गुरुदेव के हृदय के भावों को जानकर और उसको ठीक रूप में अपने जीवन में आचरण करना ही ठीक ठीक रूप में व्यास पूजा होगा। ये बाह्य जो आडंबर हो, बाह्य आडंबर नहीं कहेंगे, बाह्य जो जो कर रहे हैं पूजा इत्यादि, जो गुरुदेव के आलेख को पूजा करना, माला देना, चंदन देना, ये सारा भी एक व्यास पूजा है, लेकिन इसे कहेंगे ये बाह्य ही है। जब तक उनके विचारों को ग्रहण करके और आचरण नहीं कर रहे हैं तब तक व्यास पूजा मानी नहीं जाएगी। ठीक है, तो मेरी भी यही प्रार्थना है सभी से और गुरुदेव के चरणों में भी कि जो वो चाहते हैं, जो उनका मनोविष्ट, जो हमसे वो चाहते हैं
ठीक ठीक रूप में भजन करना और भी इत्यादि जो उनके मन की वांछा है, कभी इस जीवन में हम उसको समझ पाए और समझ कर उसको अपने जीवन में आचरण करें, यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Govinda Govinda Hare Hare, Hare Hare Govinda Hare Hare, Hare Govinda Govinda Hare Hare, Hare Hare Govinda Govinda Hare Hare, Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe ब्रजवाला दीदी है कि रसोई बना रही है? हाँ देखो हमारे गुरु जी का शंकर तुम कुछ बोलोगी? हाँ देखो ब्रजवाला दीदी है, इधर आ जा दो। हाँ देखो हम लोग गुरु जी के चरण में हम इतने नहीं किए, ये हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जब भगवान राम आए हैं उसी समय में, वो गुरु जी कहते थे उसी समय हम किसी ना किसी रूप में जगत में थे, पेड़ पौधा लता पता कुछ भी हो हम किसी ना किसी रूप में किसी जगत में थे। जब भगवान राम आए तभी थे, जब भगवान कृष्ण आए तभी हम इस जगत में थे किसी ना किसी रूप में, जब राम आए उसी समय हम किसी ना किसी रूप में थे, लेकिन हमारी उद्धार किसने नहीं किया, हमारी चोटी पकड़ फिर के कि माया संसार से हमें कोई नहीं निकला है, कोई नहीं निकाले हमें, इसलिए सड़ग स्वामी भी थे लेकिन कोई हमें निकाला नहीं, लेकिन निकाला तो किसने निकाला हमें, ये गुरुदेव ने हमें जो कीचड़ से माया की नरक से हमारी चोटी पकड़ करके हमारे गुरुपाद पद्म ही हमें संसार से निकाला, इसलिए हम किसको चरण में ऋणी, श्री गुरु जी की चरण में हर समय हम ऋणी बने रहेंगे, कभी उन्हीं उनकी ऋणी से कभी हम उऋणी बन ही नहीं सकते हैं गुरु जी की। इसलिए एक समय भगवान कृष्ण इन्होंने सारे वेद पुराण इतिहास उन्होंने सबको भुलाया, भुला करके भगवान एक प्रश्न सबसे किया, बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बोले बताओ क्या प्रश्न, बोले मेरे प्रश्न है भगवत प्राप्ति की वा भगवत भक्ति प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है, वा भगवत भक्ति हमें कैसे मिल सकती है। तो उन्हें वेद भुला, वेद भी अपना लेक्चर दिया लेकिन भगवान खुश नहीं, बोल बैठे फिर उन्होंने सारे उपनिषदों को खड़े किया, उन्होंने भी अपना लेक्चर दिया लेकिन भगवान खुश नहीं, बोले तुम भी बैठ जाओ। फिर उन्होंने बोले जितने पुराण को बोले वेदांत सूत्रों को बोले लेकिन भगवान को संतोष नहीं मिला, तो उन्होंने गीता को भी बोले भैया तुम भी कुछ बोलो, गीता भी अपना प्रश्न उन्होंने उत्तर दिया
बोले अनन्य ममता विष्णु, तो उन्होंने बोले ये मन को कृष्ण गीता में कहते ना अनमना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्तु, ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश। कृष्ण देखे मन केवल मुझे ही दे, भक्ति केवल मेरा ही करो, पूजा केवल मेरा ही करो और किसी को नहीं। भगवान तभी संतुष्ट नहीं, सबको बैठा दिया, सारे शास्त्र दुखी भी हो गए। बोले हमने इतने बढ़िया बढ़िया बात बोले, भगवान किसमें खुश नहीं हुए, लेकिन केवल एक पुराण रह गया, वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ रह गया। सबके सब भागवत का मुंह पर देख रहे हैं, भगवान तो हमको फैल कर दी, ये भागवत क्या बोलता है। जब भागवत को खड़े किए, भागवत केवल उन्हें दो श्लोकों को बोले, जिसको सुन करके भगवान का हृदय प्रेम गदगद हो गया, भगवान खुश हो गए। इनका पहला एक श्लोक था, आप लोग भागवत सुने होंगे, जहाँ पर इसे रहुगढ़ है वहाँ, और श्री भरत जिनका नाम भारतवर्ष जिनका नाम पर पड़ा है, ये भरत महाराज और रहुगण महाराज के अंदर में जो वार्तालाप है, इसलिए यहाँ पर श्री भरत जी कह रहे हैं रहुगण महाराज को, रहुगण न तपस्या न जाति न इज्जया न निर्वाप न गृहत बाप नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत बदो रज विशेष। वो कह रहे हैं देखो रहुगण महाराज जी, रघुगण न तपस्या, भगवान तपस्या से नहीं मिलेंगे, न जाति बड़ी उच्चे कोले में जन्म लेने पर ही भगवान नहीं मिलेगी, बड़े पूजा पाठ करने पर भी नहीं मिलेगी, घर बार छोड़ने पर भी नहीं मिलेंगे, वेद पढ़ने पर भी भगवान नहीं मिलेंगे। बोले मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, बोले जब तक हम किसी शुद्ध साधु की चरण शुद्ध वैष्णव के चरण में जब तक हम शरणागत नहीं होते, उनकी शरण में नहीं जाते, जो कुछ कर दो भगवान मिलने वाले नहीं। फिर प्रहलाद महाराज, उन्होंने जब उसको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे बुद्धि किसने बिगाड़ी, जो कुछ मैं प्रश्न करता हूँ तो एक ही बात कहते हो, हरि का नाम करो, हरि का भजन करो, उनका सेवा करो, पूजा करो, तेरी ये बुद्धि को बिगाड़ा तो किसने बुद्धि को बिगाड़ी, क्या तेरे गुरु जी संध्या अमर के तेरे बुद्धि को बिगाड़ दिए, इसलिए उनको गुरु जी का नाम करता बोले संध्या और अमर का, जो साधारण विद्या उनको जिनको पास में साधारण विद्या पढ़ते थे, एक का नाम संडा, संडा मतलब सांड, और अमर का मतलब होता है बंदर, मतलब है वो जिनसे ये राजनीति का शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उनका नाम शास्त्र में सांड और बंदर बताया, मतलब है जो गुरुदेव हमें प्रभु की भक्ति के बारे में नहीं बताया, केवल एटीएम में कार्ड बना दे पैसा कमा पैसा कमा, केवल यही विद्या को पढ़ाए, कहते भैया वो विद्या विद्या नहीं, वो गुरु नहीं, वो तो सांड और बंदर है, तो सबके सब सांड और ये बंदर है, बोले ये क्या तुम्हारी बुद्धि को बदला है। तब प्रहलाद महाराज कहते बोले पिताजी नई सांग वती स्थावत गुरु क्रमांतरी स्पिशार्थ अनर्थ अपगमम जदर्थ निष्किंचना नाम घृणित जावत। जब तो कोई शुद्ध भक्ति भक्तों के चरण में, जो निष्किंचन भक्तों के चरण में कोई शरणागत नहीं होता है, ये अपना के द्वारा दूसरे के द्वारा है, ये मति कभी भी भगवान के चरण में नहीं लग सकता है, लगेगा तो किसी साधु कृपा से ही। इसलिए ना बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सो। जब तक हमें शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलेगा, जैसे हम यहाँ पर बैठेंगे गला में कंठी माला तिलक भजन कर रहे, किसकी कृपा से कर रहे, हमारे ऊपर किसी साधु की कृपा होगी। जैसे हनुमान को साथ में विभीषण का साक्षात्कार हुआ ना, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, बोले राम के सबसे प्यारे भक्त है। ये लोग क्या कहते हैं, आज मय भाव भरसा हनुमंता और बिनु हरि बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मही अनुग्रह किनी तो मई दरस रहते दिन, लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम का कोई विशेष कृपा हो गई, नहीं तो मैं कभी सोच नहीं सकता था चारी तरफ में राक्षस घिरे हुए और उसको बीच में मैं रहता हूँ और भगवान राम के सबसे प्यारे भगत हनुमान को मिल जाए, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, लगता है प्रभु राम मेरे को मिलने का कोई दूर नहीं, जल्दी से जल्दी प्रभु राम हमें मिलने वाले। इसलिए हम सबके सब गुरु जी के चरणों में ऋणी, इसलिए अगर गुरु जी नहीं होते वैष्णव नहीं होते तो हम अभी जो थोड़े बहुत भक्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं ये कोशिश भी हमारी नहीं होता, इसलिए हम सबके सब श्री गुरु जी के चरण में हम श्री ऋणी हैं। प्लस श्री गुरुपाद पद्म की जय, प्लस श्री व्यास देव की जय, जय जय श्री राम।
ब्रजवाला दीदी आ रही है? ब्रजवाला दीदी आ रही है क्या? ब्रजवाला जल्दी जल्दी आप इधर, इतना बुलाना पड़ता है इधर सामने से। हाँ थोड़ी सिद्धों में तो बोल दो। हाँ बोले, अरे मैं जो बोलता हूँ तुम बोलो इधर आ जाओ, वो भजन गाएगा। दो मिनट आ जाओ, फिर सरिता दीदी भी दो मिनट बोलते हैं। अब तुम भी आ जाओ ना। देखो हमारे दीदी, ये लोग हमारे जो ये फरीदाबाद में प्रचार हुआ ना, ये हमारी सारे परिवार लोग यहाँ बैठे हुए, जिन्होंने पूरा मंदिर के उन्होंने जो रूप सनातन मंदिर उन्होंने दिया हुआ है, और हमारे से ब्रज वाला। अब दोनों में गुरु जी को तो पास में पहले कौन आए? कौन आए? नहीं जो फरीदाबाद में जो भाई पहले दर, ठीक है कोई बात, दोनों ही आए इधर आना। इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले गुरुदेव की इन लोगों ने अपना घर में बुलाए, और हम भी गुरु जी के पीछे पीछे हम भी आते थे। और गुरु जी के बाद में फिर जब आए, फिर धीरे धीरे इन्होंने उसको बाद में रूप सनातन मठ दिया ना, फिर रूप सनातन मठ दे करके आए। इनका वृंदावन में कौन कौन वृंदावन आए हो? जो रूप सनातन मंदिर है ना, वो इनका परिवार का ही मंदिर था। वो परिवार मंदिर में क्या हुआ, उन्होंने कुछ ब्राह्मण को पूजा करने के लिए दिया था, लेकिन करते 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 पाँच छः परिवार आगे को पूरा कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिए, फिर देखा कि कैसे उधार होगा, बोला अगर किसी संतों को अगर दे सकते हो सकता है इनको ये मंदिर बना दे। फिर मैंने हमारे गुरु जी को पास में गए जा करके, बोले गुरु जी आप ये मंदिर को ले लो। फिर उसको खाली करने के लिए वो लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, कुछ पैसा वैसा दे करके उनको निकाले। फिर वो मंदिर को गुरुदेव ले करके, अभी जो निकुंज मंदिर देख रहे हो, फिर इन लोगों ने फिर वहाँ पर गुरु जी ने वो मंदिर को स्थापना किए, और जहाँ पर लोग आकर के कीर्तन हरिकथा सुनते हैं, और इसको प्रभाव से इनकी प्रभाव से इनकी पूरा पूरा परिवार कितना भाई, पिताजी के जो चार भाई ये लोग तो चार भाई ने, भाई के जो बेटे थे, बेटे बैठे थे, बेटे नहीं मतलब बेटी, बेटी नहीं बेटी लोग भी यहाँ जा गए, वो भी कल भी इनका बेटी किसी घर में गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। इसलिए इन लोगों ने बहुत प्रचार किया दोनों परिवार में, बहुत इन लोगों ने इतनी कोशिश किया, उनको पूरा परिवार को जोड़ने के लिए कोशिश की, पूरा परिवार जैसे भक्ति में जुड़ जाए, बहुत उन्होंने जी जान उन्हें लगाए। इसलिए ये जो चेष्टा है आज फरीदाबाद में जो भक्त लोग बढ़ रहे हैं, सबसे पहले लोग गुरु जी को पास में आए, अभी भी दीदी प्रचार करती है इतनी उम्र में भी। हाँ व्हाट्सएप में कथा देती है, डेली कथा करती है, डेली बहुत लोग जुड़े हुए हैं जी। अब देखिए वो बहुत सीनियर है, बहुत अच्छे हैं, वो महेश्वरी आप कथा भगवान इसको बोल के कितने कितने करेंगे, दो मिनट बोल दो। ओमाग्रांत मिरांसे ज्ञानंगिशलाभ्य चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथमीक्षापात ओम विष्णु विष्णुपात अष्टोत्तर शशी भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग धर्म प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अतुल्य कृपा की वांछा करते हैं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुपात पर ओम विष्णुपात अष्टोत्तर शशी भक्तिवेदांत पूज्य पाठ करिवाजन महाराज, ओम विष्णुपात अष्टोत्तर भक्तिवेदांत पूज्य पाठ श्रीधर महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग धर्म प्रणाम ज्ञापन करते हुए सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर हैं सब लोग, मैं तो बहुत ये कुछ महाराज जी ने पता नहीं कृपा करके ये कैसे, बस गुरु पूर्णिमा का उत्सव है हमारे बस में ये, तो अभी गुरु जी ने कितनी कृपा करी हम सब के ऊपर, अयोग्य होते हुए भी गुरुदेव ने, कैसे गुरुदेव जिनको स्वयं राधा रानी ने प्रकाशित किया कि ये श्री रमण मंजरी हैं सेवा कुंज के पुजारी के द्वारा, ऐसे गुरु जी ने हम जैसे को अपना लिया, और हमें लगता है कि हम कितने अयोग्य हैं तो भी गुरु जी की हेतु की कृपा, जानते नहीं थे भक्ति की एबीसीडी क्या होती है, कभी मठ मंदिर नहीं देखा, कभी कुछ नहीं, बस गुरुदेव की ऐसे हेतु की कृपा
क्योंकि और गुरु जी का वैशिष्ट तो आप लोग सुन ही रहे हैं कि कैसे थे हमारे गुरु जी। पूरा देश विदेश पूरे 90 साल की उम्र तक पूरे विश्व ने प्रचार किया, उन्होंने लाखों लाखों लोगों का कल्याण किया। अभी विपिन प्रभु भी बता रहे थे कि और दूसरे लोग भी बता रहे थे ना कि गुरु वर्ग कैसे हमारा कल्याण करते हैं। और गुरु जी की कृपा से पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी को गुरु जी ने यहाँ पर भेजा और श्रीधर महाराज जी ने इतना प्रचार किया फरीदाबाद में गुरु जी के आशीर्वाद से। हर महीने आते थे, संडे हाँ जी हर महीने आते थे यहाँ पर और यहाँ बहुत लोगों को रखना है। और बहुत देखे सीधे सरल महाराज जी, कितने सरल महाराज जी हैं और कितना भक्ति की बातें सिखाते हैं, गुरु के दुख में चक्र से छुड़ाने की विधि बताने आए हैं। गीता में भी तो भगवान ने बोला तद्विधि प्रणिपाते परिकृष्ण से, गुरु के पास जाने ही पड़ेगा विधि सीखने के लिए। वही हमारे परम हितैषी और सदबंधु केवल गुरु ही हैं। बोले ना से ही से परम बंधु से ही पिता माता श्री कृष्ण चरण जी प्रेम वही हमारे परम बंधु हैं, जन्म जन्मांतर के बंधु हैं। माता पिता तो एक ही जन्म के हैं लेकिन वही हमारे परम बंधु हैं, वही हमारे पालनहार हैं। उन्हीं का सच में व्यास पूजा तभी होगी, उनको तभी आनंद होगा जब हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर अपने जीवन का कुछ कल्याण करें। गुरुवर्ग हम पर कृपा करें, हम उनका बताए हुए मार्ग पर चल पड़े, उनकी जो सीख वो जो हमें सिखाते हैं देखा करके फिर भी हम पर कृपा करने के लिए हमेशा कृपा करने के लिए याद रखें। तो गुरुवर्ग हम पर कृपा करें, हम भी उनके आदेश निर्देश का पालन करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदान्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद भजो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु ओम नित्य लीलाओं श्रीपादस्तुत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज और सभी रूपानुभक्तों के चरणों में मेरा कोटिश्वर नाम। आप सभी कथा विपासु वैष्णव वैष्णवी माता बहन पिता और भाई बंधु सभी मेरा यथानुरूप हरे कृष्णा। जैसा कि यहाँ मेरे से श्रेष्ठ बड़े बड़े गुरुवर बैठे हैं और मेरी इतनी अधिकार भी नहीं है बोलने का, परंतु गुरु वैष्णव का आदेश है तो मैं बस दो एक बात कहूँगी। गुरु के बिना, गुरु का जो अभी हमारे प्रभु जी ने बताया, गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी, इस अज्ञान रूपी अंधकार से इस संसार में रोशनी दिखते हुए भी हम अंधे सब, अज्ञान रूप अंधे और ज्ञान के चक्षु में भगवान ने गुरुदेव ने देख दिए और ताकि हम अपने इस चित को साफ कर भगवान इसमें विराजित हो सके। क्योंकि जीव तो अनंत शुद्ध ही है परंतु इस माया जगत में आकर वो इसके संसर्ग में आकर मैला हो गया अर्थात गंदा हो गया। और जब तक ये चित अर्थात आत्मा शुद्ध नहीं होती दोबारा तब तक इसको वैकुंठ अर्थात भगवान के धाम में एंट्री नहीं। और गुरु का जो एक रोल है हमारी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ रोल यही है, अन्यथा हम ऐसे ही 84,00,000 लोग योनियों में ऐसे ही भटकते आते जाते रहते। बड़ा सुंदर उपाख्यान श्रीमद् भगवद गीता में इंद्र उपाख्यान में आया था कि किस प्रकार से इंद्र के गुरु बृहस्पति जी और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, इंद्र एक बार अपनी सभा में बैठे, बृहस्पति जी आए
और जैसे मद हो जाते हैं हम भी बहुत बार मद हो जाते हैं, ऐश्वर्य हमारा धन हमारा रूप इससे मद हो जाते हैं और किसी श्रेष्ठ का कई बार हम तिरस्कार अर्थात उनको क्या आदर देना चाहिए भूल जाते हैं। परंतु गुरुदेव जो सारे आदरों का सम्मानों का जो मूल है, मत होकर बृहस्पति जी उनकी सभा में आए, उठकर उनको प्रणाम तक नहीं किया। इंद्र की इस तिरस्कार को बृहस्पति जी सहन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि गुरुदेव का कोई निरादर कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गुरुदेव को ये लगता है कि मुझसे ही कुछ ऐसी चूक हो गई कि मैं इनको सिखा नहीं पाया और अदृश्य हो गए बृहस्पति जी और दैत्यों ने हमला कर दिया, अर्थात उनको पराक्रमण कर दिया। दैत्यों के साथ उनके गुरुदेव थे, शुक्राचार्य जी का बड़ा आदर सम्मान करते थे दैत्य होते हुए भी, और दैत्यों की जीत हुई देवताओं के ऊपर। इस इंद्र बड़े दुखी हुए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुमने अपने गुरुदेव का निरादर किया, इसीलिए देवता होने पर भी तुम दैत्यों से हार गए हो। जो गुरुदेव का सम्मान नहीं करते वो देवता होने पर भी तुच्छ है। ये उपाख्यान मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि सचमुच अगर गुरुदेव का सम्मान करोगे तो आप ज्ञान विद्या और कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु यदि गुरुदेव का ही आदर नहीं किया कुछ भी कर लो जीवन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है आपके दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु, चार प्रकार के जो गुरु बताई गई है सभी के प्रति पूर्ण रूप से आदर सत्कार करना चाहिए। और हमें किसी का निरादर तो कभी एक साधारण जीव का भी नहीं करना, और गुरुदेव तो बहुत ऊंची चीज है। कई बार हमने खुद अपनी जिंदगी में देखा है कि हरि नाम लेने पर भी अपने गुरुदेव के प्रति कोई समर्पण नहीं, और ये हमने अपने जीवन में भी देख लिया कि जब तक गुरुदेव के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण था कभी भी नहीं है वैसे तो, परंतु चेष्टा कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला और तब तक वही ताप हमको सताते रहेंगे। जिस दिन गुरुदेव के चरणों में शरणागति हो जाएगी, गुरुदेव के प्रति आदर सम्मान हो जाएगा तहे दिल से, उस दिन आपके ताप उसी दिन से घटने शुरू हो जाएंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, समय बहुत कम है और मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता है, मैं बड़ी गवार सी औरत हूँ। तो जितना गुरुदेव ने बुलवाया ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ गवार हूँ। मेरे गुरुदेव मुझे अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखें और मैं जानती हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं जानती हूँ अपने आप को कि मैं बहुत गिरी हुई हूँ, परंतु गुरुदेव मेरे ऐसे हैं कि मुझ गिरे हुए को भी अपने हृदय से लगा लिया, जैसे कीचड़ में से अपने माँ अपने बच्चे को उठाकर हृदय से लगा लेती है। गुरुदेव ऐसी ही कृपा बनाए रखना और कभी भूल कर भी अभिमान नए, चाहे वो ज्ञान का हो या बोलने का हो या रूप का हो या वैसे सम्मान व किसी प्रकार का भी, बस एक ही मैं ये गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, आप सभी वैष्णव के चरणों में, कि मुझे इसे ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कभी भी मैं अभिमान मंद ना हूँ, क्योंकि अभिमान बहुत बुरी चीज है। वांछा कल्पतरु भर्षे कृपा सिंधु भनर्जे पतिता नाम पावने भो श्री वैष्णव्यो नमो नमः। और श्री गुरुदेव महाराज सब जो खड़े हो गया, बहुत समय हो गया, अभी और एक ही जाएगा पर प्रोग्राम है, हमको वहाँ प्रोग्राम में जाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर आ जाओ। घर का जो मालिक है क्या नाम है प्रभु जी, क्या नाम? ओम वीर सिंह। हाँ ओम वीर प्रभु जी इधर आ जाओ। ओम वीर प्रभु जी कहाँ है, जल्दी आ जाओ।